वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। हम आप लोगों के लिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए कुछ मैथ्स के क्वेश्चन लेके आए हैं। ये पूरा सीरीज आरआरबी के लिए है, तो आप जितना ज़्यादा इस सीरीज को पूरे अच्छे से देखिएगा, आपका एग्जाम निकालने का चांसेस उतना ही बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ये आपको कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताएंगे ये वीडियोस, जिसके बाद आपको इन टाइप के क्वेश्चन इन चैप्टर से अच्छे से बहुत ज़्यादा सॉल्व करना है। मैं बताऊँगा, किसी भी सिर्फ किसी यूट्यूब चैनल पर ये किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे डिपेंडेंट मत रहिए। आप भले ही सीख सकते हैं हर चैनल से, जो कोई भी सिखा रहा हो अच्छे सिखाते सब, तो आप उनको फॉलो करिए। और उसके बाद आपको जितना सम्स मिल सकता है, जहाँ से भी मिल सकता है, आप प्रैक्टिस करिए। यदि प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो ये कभी आपका एग्जाम के लिए बेटरमेंट नहीं होगा। मैं आपको क्वेश्चन के टाइप बता सकता हूँ, बट मैं आपको हर चैप्टर के लिए कम से कम 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाके आपका वो सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा। और मेकिंग अ 200 क्वेश्चन वीडियो ऑफ मैथ क्लास वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, सिंस हम लोग सिर्फ टाइप्स बता पाते हैं आप लोगों को। और आपका ये होना चाहिए कि आप जितना क्वेश्चन हो सके प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने आज चैप्टर करेंगे हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों ये कि ए एंड बी टूगेदर हैव 1210, ठीक है। मतलब ए और बी के पास कुल पैसे कितने हैं, 1210 रुपए। अब बोला गया है कि इफ 4/15 ऑफ ए अमाउंट, 4/15 ए के अमाउंट के इक्वल किसके है, 2/5 बी के अमाउंट के। मतलब अगर 4/15, मान लीजिए ए के पास 100 रुपया है, तो उसका 4/15 जो होगा वो किसके बराबर होगा, बी के 2/5 के बराबर में। तो हमें निकालना है कि ए और बी के पास कितना है। तो लेट कंसीडर, मान लेते हैं हम लोग कि ए के पास ए रुपीज़ हैं और बी के पास बी रुपीज़ हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन में क्या था, 4/15 ऑफ ए, तो हम इसका निकालेंगे 4/15 ऑफ ए, ये किसके बराबर है, 2/5, ठीक है, 2/5 ऑफ बी। यहाँ से दोस्तों हम लोग निकाल सकते हैं ए बराबर क्या होगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या है, 2/5 है पहले, तो ये 15 ये ऊपर जाएगा इधर मल्टीप्लीकेशन डिवाइड में, और ये 4 इधर नीचे आएगा, और ये बी बी रह जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे काट सकते हैं, ये 3 बार में और ये आपका कटेगा 2 बार में। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, a by b is equal to 3/2। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, a is to b is equal to 3:2, ठीक है, ये हमारा रेशियो आ गया। अब दोस्तों जब भी ऐसा रेशियो आएगा, उसमें से अगर पूछा है आपको b का शेयर कैसे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, b का शेयर कैसे निकालेंगे हम लोग, पहले आप देखिएगा कि b के सामने कौन सा रेशियो है। तो b के सामने कौन सा रेशियो है, रेशियो का पार्ट 2 है, ये आपको ऊपर 2 लिखिएगा, डिवाइड बाय क्या होगा, जो टोटल है 3 और 2 को ऐड करिएगा, दोनों को ऐड करिएगा, 3 और 2 ऐड करें कितना आएगा, 5, गुने क्या करिएगा, जितना टोटल उनके पास है, टोटल उनके पास कितना है, 1210 रुपये। ये कोई भी क्वान्टिटी में हो सकता है, मान लो दिया हो आपको कि तेल और पानी मिला हुआ, इसका रेशियो इतना इतना रेशियो, वहाँ सबको कितना वेट है निकालना पड़ेगा, तो वहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। उसको अगर आप काटिएगा तो काटे कितना बार में कटेगा, ये 2 बार में, बचा कितना हाथ में, 2, 4 बार में, फिर 2, तो अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा, 484। तो बी के पास कितने आए दोस्तों, 484, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, ठीक है, बी के पास 484 रुपये है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा ये दोस्तों, टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स। बोला है दो ऐसे नंबर है जो 20% ज़्यादा है और 50% ज़्यादा है किसी एक और तीसरे नंबर से, तो दोनों रेशियो का, दोनों नंबर का रेशियो क्या, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे इसमें कि तीसरा नंबर रेशियो, तीसरा नंबर जो x है, तीसरा नंबर x क्यों मान रहे हैं, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ही बाकी दोनों को दिया गया है। तो अगर ये हमारा x है तो पहला नंबर क्या हो जाएगा कि 20% है किसका, कितना, देखिए कितना है ये, 20% ज्यादा है,
पहला नंबर, तो 20% ज्यादा मतलब कितना, 100 प्लस 20% है ना, टोटल कितना हो गया 120% ऑफ x, ठीक है, मतलब 120 बटा 100 गुने x, ये हमारा पहला नंबर हो गया, फर्स्ट नंबर, ठीक है। सेकंड नंबर क्या होगा हमारा, सेकंड कितना ज्यादा है, 50% इक्वल टू क्या रखेंगे, 1/50 इन डिवाइड बाय 100 इनटू x, ये हमारा दूसरा नंबर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों का रेशियो, फर्स्ट और सेकंड का। उससे पहले हम यहीं काट लेंगे इसको, क्योंकि इसको इसको काटेगा तो ये कितने बार में कटेगा, ये देखिए 20 से काटेगा, ये 6 बार में, ये 5 बार में, तो ये हम a कितना हो गया हमारा 6/5, ठीक है, और ये h2 हो गया। अब इसको अगर काटेगा तो ये 25 से कटेगा 6 बार में, और ये कटेगा 4 बार में, फिर काटेगा ये 3 बार में, ये 2 बार में, तो कितना ये 3/2x। अब देखिए दोस्तों ये कट जाएगा, रेशियो मतलब कुछ नहीं होता, सिंपली डिवाइड करना होता है। पिछले क्वेश्चन में क्या किया, डिवाइड था, उसको हमने रेशियो में बदल दिया, तो इसका भी सेम है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सिंस डिवीजन में है तो 6/5 / 3/2, सिंस ये डिवाइड में है, जब ये चेंज होगा तो ऊपर नीचे हो जाएगा, तो 6/5 * क्या हो जाएगा, 2/3, ठीक है। तो ये क्या आएगा, काटिए इसको, देखिए ये कटेगा आपका 2 बार में, इससे कितना गया 4/5, तो इसका मतलब कितना हो गया 4:5, 1:2 का रेशियो। तो ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं क्या है। बोला गया है सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंग ए बी सी डी इन द प्रोपोर्शन 5:2, 2:4, 3। बोला कि कुछ पैसा है जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया है इसमें चार लोगों में, ए में, बी में, सी में, डी में, कितने प्रोपोर्शन में, 5 में, 5 प्रोपोर्शन, 2 प्रोपोर्शन, 4 प्रोपोर्शन और तीसरा प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ए को कितना पार्ट मिला, 5 पार्ट, बी को कितना मिला, 2 पार्ट, सी को कितना मिला, 4 पार्ट, और डी को कितना मिला, 3 पार्ट। अब बोला गया है कि अगर सी को 1000 रुपये ज़्यादा मिलता है डी से, इफ़ सी गेट्स ₹1000 मोर देन डी, व्हाट इज द बी शेयर। बोला गया कि अगर सी को डी से 1000 रुपये ज़्यादा मिलता है तो जो बी का शेयर है वो कितना है, तो इसको हम निकालेंगे दोस्तों। सिंस अब रेशियो में दिया हुआ है तो हम मान सकते हैं कि ए बी सी डी का रेशियो क्या है। तो अगर हम रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो ए का रेशियो कितना आना चाहिए, 2x, ठीक है, सॉरी ये ठीक से लिखा 2x, सॉरी ए का रेशियो होगा दोस्तों 5x, ठीक है। फिर ये 2x बी का, सी का कितना है 4x, और डी का कितना है 3x। तो बोला क्या गया है कि सी को कितना ज्यादा मिला है बी से 1000, तो अगर सी माइनस बी कर देंगे तो 1000 आना चाहिए, तो सी कितना है हमारा 4x और बी कितना है 3x, इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आना चाहिए दोस्तों 1000। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1000, 4x माइनस 3x इक्वल टू x, तो x अगर 1000 आ गया तो b का शेयर कितना आ जाएगा 2 × x, मतलब 2 × 1000, दैट इज 2000, तो 2000 हमारा आंसर है b का शेयर, ऑप्शन नंबर c इज द करेक्ट, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं क्या है अगला सवाल दोस्तों। इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर, देखिए क्वेश्चन आ गया ना, जैसे मैंने तेल पानी का बोला था, यहाँ पे दूध और पानी का आ गया। तो बोला गया है कि इन मिक्सचर 60 लीटर, 60 लीटर की मिक्सचर है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। बोला गया जो रेशियो ऑफ मिल्क और पानी का कितना है, 2:1, ठीक है, ये मिल्क और सॉरी दूध और पानी का है। अब बोला गया है कि अगर रेशियो को 1:2 करना है, मतलब मिल्क रेशियो 1 हो जाए, वाटर रेशियो 2 हो जाए, देन द कितना, देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर विल फर्दर एडेड इज, बोला तो कितना पानी और हमें ऐड करना पड़ेगा ये बताना है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, हम सॉल्व करेंगे ठीक से। सबसे पहले हमने पहले क्या बताया था कि अगर मान लीजिए इसे रेशियो दिया हुआ है तो कैसे हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे हमारा पहले दिया कितना 60 लीटर टोटल है उसका, ठीक है 60 लीटर टोटल है, इसमें से हम चलिए मिल्क का पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर मिल्क का निकालेंगे तो मिल्क का रेशियो कितना है 2,
अब टोटल कितना है ये 2:1 देखिए यहाँ पे, तो 3 नीचे टोटल आ जाएगा, तो यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा 40, तो 40 क्या आ गया आपका मिल्क, ठीक है। अब वाटर कितना आ जाएगा, अगर 60 टोटल है 40 मिल्क है तो 20 आ जाएगा आपका पानी, ठीक है। अब बोला क्या गया है कि हमें ऐसा रेशियो बनाना है जो 1:2 में चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये चीज आप देखिए, मान लीजिए कि हम वाटर x ऐड करते हैं तो टोटल वाटर कितना हो जाएगा फिर 20 प्लस x, क्योंकि पहले पानी कितना था 20, 20 में ऐड कर दिया। हमें किसका रेशियो निकालना है, पानी और वाटर का, तो पानी जो दूध है सॉरी दूध और पानी का, दूध हमारे पास तो 40 का ही है और वाटर कितना है 20 प्लस एक्स, क्योंकि इसमें दूध बढ़ा नहीं, दूध तो उतना ही है, और ये किसके बराबर होना चाहिए 1/2 के, है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 80 मतलब 14:2 इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स, और यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 60, ठीक है। हमारा 60 है, 60 लीटर है अगर पानी और ऐड किया जाए तो इसके कंप्लीट बराबर हो सकता है, ठीक है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ, देखते हैं क्या है। अब बोला क्या है कि 0.75:2x इज प्रोपोर्शनल टू 5:8, ठीक है। ये दिया हुआ हमें और हमें x का वैल्यू पूछा गया है। जैसे कि उसको क्वेश्चन मैंने क्या बताया था कि अगर रेशियो में दिया है इसका मतलब क्या, वो डिवाइड में, उसको हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं 0.75 डिवाइड बाय x मस्ट बी इक्वल, ये प्रोपोर्शन जो इसका मतलब होता है इक्वल 5/8, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0.75 × 8 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। सो अगर कट देखिए, अगर आपसे ऐसे नहीं बनेगा तो जैसे कि ये मैंने कर दिया तो कितना हो जाएगा आपका 0.15 × 8, तो यहाँ से हम लोग जानते कितना है 15 एरिया कितना होता है 120। पॉइंट कैसे बताएंगे, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, दो नंबर हम लोग देखेंगे, हमारा दो नंबर राइट साइड से कहाँ पे ये होगा एक नंबर ये दो नंबर, तो पॉइंट हमारे यहाँ बैठ जाएगा। सिंस पॉइंट का जो जीरो आगे कोई वैल्यू नहीं होता है तो हम जगह से 1.2, लेकिन अगर 1.02 होता तो हम जीरो नहीं हटाते दोस्तों, याद रखिएगा। अगर लास्ट में जीरो पॉइंट के बाद कोई हम उसका वैल्यू नहीं मानेंगे, ठीक है। अब पढ़ते हुए चले तो देखते हैं क्या है अगला सवाल है। सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 98 इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकेंड इज 2:3। बोला गया है कि तीन नंबर का सम कितना है 98, ठीक है। पहला दूसरा का रेशियो कितना है 2:3 एंड दैट टू सेकेंड टू द थर्ड इज 5:8 और दूसरा से तीसरे का रेशियो कितना है 5:8, तो हमें सेकेंड नंबर फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले मान लेंगे जो हमारा तीनों पार्ट क्या क्या है ए बी सी, ठीक है। अब हम जानते क्या है, जो दिया हुआ हमारा पहला दूसरा रेशियो कितना है ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:3 और बी इज टू सी इक्वल टू क्या दिया है हमारा 5:8, ठीक है। तो इसको हमें निकालना है, तो सबसे पहले उसको मैसेज निकालना पड़ेगा ए बी सी कैसे निकालेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है, तो हम लोग करेंगे क्या दोस्तों, जैसे अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ बी 3 है तो हमको इस क्वेश्चन को 3 करना पड़ेगा कैसे भी करके, तो उसको हम लोग 3 कैसे करेंगे ये देखिए। तो अगर हम लोग इस 5 में 3/5 से गुना कर दें, देखिए ये 5/5 कट जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, तो ये हम लोग कट जाएंगे। अब लेकिन हम लोग 3/5 इसमें गुना कर रहे हैं तो 3/5 हमें इसमें भी गुना करना पड़ेगा, ठीक है, तभी होगा अदरवाइज नहीं होगा। तो ये देखिए ए इज टू बी कितना है 2:3 और बी इज टू सी कितना आ गया 3:24 डिवाइडेड बाई 5। देखिए अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों बी जो है यहाँ भी सेम है और ये थ्री सेम है, तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू 2:3:24 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब हमको इसको हटाना चेंज करना है तो क्या करेंगे 5 फिर से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 5 इसमें 5 इसमें 5, तो ऊपर पहला कितना है 5 × 2 = 10, दूसरा कितना हो जाएगा 15, तीसरा कितना हो जाएगा 24, 5 5 ऊपर नीचे कट जाएगा,
तो ये आपका एक बन गया 10:15:24। अब इसमें से हमें क्या करना है, हमें निकालना है b का वैल्यू सेकंड नंबर का। तो मैंने पहले बताया जैसे दो नंबर के लिए ऊपर रखते हैं, नीचे तीनों को ऐड करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे b का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 ऊपर में और नीचे हम तीनों को ऐड करेंगे 10+15=25, 25+24 कितना हो गया 49, ठीक है मतलब 49, और टोटल कितना हमारे पास सम 98। तो ये 2 times में चला जाएगा दो बार में, तो ऊपर हमारा b आ जाएगा 30। तो हमारा सेकंड नंबर का वैल्यू कितना है दोस्तों 30, ऑप्शन नंबर बी इज अगेन करेक्ट। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें सीखा क्या है, अगर a इज टू b दिया हो तो b इज टू c कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लोग निकालेंगे। एक और सिंपल तरीका इसका निकालने के लिए हम लोग ऐसे कर सकते थे इसको, देखिए ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करिएगा, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, ऐसे कर सकते हैं हम लोग a इज टू b इज टू c। तो पहले 2 × 3 करेंगे हम लोग तो कितना आएगा 6, 3 × 5 करेंगे तो कितना आएगा 15, और 8 × 5 करेंगे तो 40। ठीक है, इस तरह से हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा, और हमको सबको किसी तरह से इक्वल करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोस्तों ये वाला तरीका मत ही फॉलो करिएगा, सम हाउ मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया है तो मैं आपको सजेशन दूंगा इस तरीकों को मत करिए। हालांकि मैंने इस प्रोसेस को पूरा अच्छे से बताया है, या कुछ मिस्टेक और एमएस तो मैं काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ इस तरीके को फॉलो मत करिएगा। हमें करना क्या है, बी बी को इक्वल करना है ताकि ये क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, और हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों में क्या करना है, हमें फाइंड करना है फोर्थ प्रोपोर्शनल, 5 है 8 है 15 है, इसका हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे ये हमें सीखना है दोस्तों। ठीक है, तो ये सिंपल है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बट बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे 5, 8, 15 और चौथा प्रश्न मानेंगे हम लोग x। ठीक है, अभी आज जैसे ही आएगा तो सिंपली लिख सकते हैं 5:8:15:x। ठीक है, यहां से हम लोग ये लिख लेंगे। तो एक चीज हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 5/8=15/x। ठीक है, जैसे हम लोग चार को क्वेश्चन मान लेंगे 5, 8, 15x, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं 5:8:15x, क्योंकि ये रेशियो में दिया हुआ टोटल। तो हम लोग वहां से लिख लेंगे जो पहला दो नंबर है उसको रेशियो में लेंगे, फिर बाद की जो दो नंबर है उसको रेशियो में लेंगे। तो यहाँ सॉल्व करिए, x इक्वल टू आपका आ जाएगा 15 × 8/5। ठीक है, तो ये 5 ये 3 बार में कट गया, 8 × 3=24 हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल हो गया, जो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात इस तरह देखते क्या है दोस्तों, ये सब जो क्वेश्चन है आपके जो भी अभी सामने आए, ये सब क्या एक्चुअली आपको पूरा सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, आपको लैंग्वेज समझना है। अगर आप लैंग्वेज समझ लेते तो आपको प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जिसके पहले कितने क्वेश्चन थे मैंने सारे बताया, बेसिक स्टेप के क्वेश्चन है जिसके आप तरीके समझ में आएंगे आपको। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5, बोला गया है कि दो नंबर है इसका रेशियो कितना है 3:5। ठीक है, अब बोला गया है कि 9 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इच, अगर 9 को दोनों से घटा दिया जाए, the new numbers are in the ratio 12:23। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम मान लेंगे कि हमारा पहला दो नंबर क्या क्या है 3x और 5x, ये रेशियो दिया हुआ है। अब क्या बोला गया है कि दोनों में से कितना घटा दिया गया 9, दोनों से 9 घटा देते हैं। अब क्या बोला गया है, ठीक है, the new number is 12:23, इसका जो रेशियो है वो कितना है 12:23, ये किसके बराबर होना चाहिए 12/23 का। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये 23 ऊपर ये 12 इधर, ये जाएगा 23×3x-9=12×5x-9। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग इसको करेंगे, तो इसको हमें सॉल्व करना है।
अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपली है, आपको 23 से पहले 3 को मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 23 से आपको 9 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके करते जाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे 23 इंटू 3 कितना करेंगे आएगा, तो 69x, ठीक है। अब हम लोग करना क्या, 23 इंटू 9 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 207, ठीक है। अब यहाँ हमें क्या करना है, 12 से 5 गुना करना, तो आ जाएगा 60x। फिर हमें कितना करना है, 12 से 9 को, तो 12 से अगर 9 को गुना करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 12 इंटू 9 करेंगे तो आएगा 108। ये भी सब्ट्रैक्शन में होगी हमारे पास। अब देखिए ये जो x वाला पार्ट है इधर चला आएगा, 69 माइनस 60x कितना हो गया, 9x, ठीक है। अब हमें करना क्या है, 207 इस ये वाला पार्ट को माइनस किससे करना है हमें, 108 को, तो कितना आएगा दोस्तों, 99, ठीक है। x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, ये डिवाइड हो जाएगा 11, तो हमारा x इक्वल्स टू कितना गया 11, जो सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा हमारा, जो पूछा गया है स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर कितना है, 3 इंटू 11 मतलब कितना हो गया 33, ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। अब पढ़ते हैं अगले सवाल तरफ, देखते हैं क्या है अगला सवाल दोस्तों। कि इन अ बैग देयर आर कॉइंस 25 पैसा 10 पैसा 5 पैसा इन द रेशियो 1:3:3। बोला एक बैग है जिसमें 25 पैसा का कॉइन है, 10 पैसा का कॉइन है और 5 पैसा का कॉइन है, और इनका किस रेशियो में है, 1:2:3 में। अब बोला गया है कि अगर इनका अगर इनको ऐड किया जाए, सॉरी बैग में जो टोटल पैसा है वो 30 रुपये का है, तीनों कॉइन में मिलाया जाए तो सबको मिला के 30 रुपये बनेगा। तो हमें पूछा गया है कि 5 पैसे का कितना कॉइन है इसमें, ठीक है। तो ये हमें निकालना है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि 25 पैसा का कितना कॉइन है, रेशियो में दिया हुआ है, तो हम सिंपल मान सकते हैं 25 पैसा का कॉइन कितना हो जाएगा, इसके आगे कितना रेशियो हुआ, सिंपल 1:x। 10 पैसा आया कितना, 2 है तो 2x। 5 पैसा आया कितना, 3 है तो 3x। तो ये तीनों हमारा संख्या हो गया। अब देखिए x 2x और ये 3x, ये कित क्या हो गया इसका, नंबर ऑफ जो कॉइन्स है, ठीक है। अब देखिए एक कॉइन का वैल्यू है 25 पैसा, दो पॉइंट एक्स कॉइन का वैल्यू कितना होगा, 25 इंटू दिस। अब ये पैसा में हमें क्या करना है, इसको रुपीज में करना है, ठीक है। तो डिवाइड बाई 100 करेंगे 25 करके। अब ये 2x, तो 2x में कितना पैसा है हमारे पास, 10 पैसा है, तो 10 इंटू 2 ये भी पैसा में, इसको डिवाइड करेंगे 100 से। ये 3 है, 3 में कितना पैसा, 5, 3x इंटू 5 डिवाइड बाई 100 क्योंकि ये भी पैसा में है, तो सब रुपया में हो गया। तो ये 25 पैसा कितना वैल्यू हो गया, ये 10 पैसा कितना वैल्यू हो गया, ये 3 पैसा कितना वैल्यू हो गया। अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, जो टोटल वैल्यू दिया हुआ है, तो टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 रुपये, ठीक है। अब यहाँ से इसको हमको सॉल्व करना है, तो अगर आप ऊपर करिएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा, नीचे आपका एलसीएम 100 आएगा और सब कुछ ही तो सिंपल ऐड हो जाएगा, तो 25x 20x और ये 15x, ठीक है। 5 मिनट में आ जाएगा ऊपर 60x, 60x इज इक्वल टू आ गया आपका 30। तो यहाँ से x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 30 × 100 डिवाइडेड बाई 60। तो ये 30 से 60 कट गया कितने बार में, दो बार में, और ये कट गया 50 बार में। तो x इक्वल टू कितना आ गया 50, तो 50 कॉइन है कितने, 25 पैसे के, और 5 पैसा कितना कॉइन है, 3x। तो 3 इंटू अगर हम लोग 50 करेंगे तो हमारा 5 पैसा कॉइन निकल रहा है जो कि है 150। तो 5 पैसा का कॉइन हमारे पास, ठीक है। तो यही हमसे पूछा गया था और यही हमारा आंसर है दोस्तों। अभी हमने ऑलमोस्ट सारे टाइप से क्वेश्चन कर लिए रेशियो प्रोपोर्शन से, जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको और कोई क्वेश्चन आ रहा हो जो मैंने शायद ना बताया यहाँ पे, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन, या और भी कोई क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको सॉल्व करके देंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा इस वीडियो के बारे में कैसा लगा आपको, या आपको कोई डाउट है तो भी कमेंट में बता सकते हैं आप लोग हमें, ठीक है। और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि जितना भी हम आगे रीच आउट कर पाए तो हमारा और मोटिवेशन बढ़ता है और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए आप लोगों के लिए, तो ताकि आपका पूरा कवर हो जाए। और एक बात और दोस्तों, कि हम लोग इस सारे वीडियो से आपको प्रॉपर अभी जीके का पूरा जो मटेरियल है वो आपको हम लोग देंगे, जो मैथ्स कंप्लीट हो रहा है इसके बाद हम रीजनिंग कंप्लीट करेंगे, रीजनिंग के बाद जीके कंप्लीट करेंगे, तो आपका पूरा फुल स्ट्रक्चर बन जाएगा। बट इम्पॉर्टेंट ये है दोस्तों
प्रैक्टिस जरूर करिएगा। मैं 10 क्वेश्चन यहाँ बताता हूँ कि आपका पूरा नंबर खत्म हो जाए टाइप्स, बट आपको प्रैक्टिस बहुत करना है। अगर मैं एक टाइप बता रहा हूँ उसके आपको कम से कम 15-20 क्वेश्चन बताने हैं, ताकि आपको सारे चीज का हर टाइप का क्वेश्चन जो भी आएगा वहाँ पे उस रिलेटेड पार्ट में आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर एक चैप्टर में आपको मिनिमम 200 क्वेश्चन बनाने हैं एग्जाम के लिए, तभी आपका प्रिपरेशन हो पाएगा अच्छे से। एक बार सारे बन जाते हैं फिर आप सॉल्व करिए। ठीक है, और दोस्तों जरूर जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, ताकि डेली आपको ये सब वीडियोस मिल पाए, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जैसे बेल आइकन आप प्रेस दबा कर रखिएगा वैसे हम वीडियो पब्लिश करेंगे आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, दोबारा आते रहिएगा। धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, और कोई भी प्रॉब्लम तो कमेंट।